नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की पहली क्लास, जो कि होगी ग्रामर के रूल्स, जो कि नाउन पर बेस्ड हैं। और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहला रूल क्या है? तो देखिए, नाउन क्या होता है आप सभी जानते हैं, किसी भी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना। यानी कि नाम होता है बेसिकली, नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे कि प्लेस, पर्सन या थिंग, इसी में हर चीज़ आ जाती है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि हाइफनेटेड नाउन डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। यानी कि जिस नाउन को आप हाइफनेटेड कहेंगे, उसका बहुवचन रूप नहीं होगा। कहने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने कहा ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट्स, तो इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइफन कहाँ है, ये हाइफन है, और हाइफन के जस्ट बाद जो नाउन यूज़ किया गया है, रुपीज़, ये क्या है, एक थिंग है, एक चीज़ है। इसका मतलब ये कभी भी आपका हाइफनेटेड नाउन जो है, कभी भी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल यानी बहुवचन फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब करेक्ट क्या होगा कि ही गेव मी 500 रुपी नोट्स, इसको सही माना जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, सुमित स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो आप देख सकते हैं 5 के बाद हाइफन लगा हुआ है, और हाइफन के बाद ये जो नाउन आ रहा है, ये स्टार्स लिखा हुआ है। और आप जानते हो कि हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या होना चाहिए, स्टार। तो इसको आप क्या कहेंगे, सही। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विद न्यूमरल एडजेक्टिव्स। आप जानते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, विशेषण को कहते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है कि संख्या को व्यक्त करने वाली संज्ञाओं का प्रयोग, संज्ञा यानी कि नाउन, तो जो संज्ञा संख्या को व्यक्त करेगी, उनका अगर विशेषणों के साथ अगर आप प्रयोग करेंगे, अंक विशेषणों के यानी कि नंबर्स में, तो वो एक वचन में किया जाएगा। जैसे कि शीतल गेव मी 5 डजन पेंस। तो आप देख सकते हैं फिर से 5 डजन्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डजन्स जो है, ये आपका क्या है, नाउन है, और ये क्या कर रहा है, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने डजन, 5, है ना। और न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव कितने हो गए, 5, इसका मतलब यहाँ पर, और ये पेंस भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 डजन पेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, किसके साथ, न्यूमरल एडजेक्टिव्स के साथ। यानी कि देखिए 5 यहाँ पर क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, तो इसका सही होगा, शीतल गेव मी 5 डजन पेन्स। ऐसे ही 2 लाख पीपल अटेंडेड दिस सेरेमनी, तो इसको गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव, पीपल क्या है, नाउन। तो यहाँ पर जो ये नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है, लाख, तो ये भी आपका एक थिंग है, एक इसका मतलब, इसको आप क्या करेंगे, लाख में लिखेंगे, तो आप सही लिखेंगे, 2 लाख पीपल अटेंडेड दिस सेरेमनी, इसको सही माना जाएगा। या फिर अगर आपको यूज़ करना ही है, तो फिर अगर यहाँ पर 2 ना हो और आपको एग्जैक्ट न्यूमरल ना पता हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड दी सर्मनी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लिखा है। तो ये है गाइस रूल नंबर 2। तीसरा रूल क्या कहता है, आपने ऐसे वर्ड ज़रूर सुने होंगे, कमिटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, पुलिस, मॉब, मॉब यानी भीड़, ऑडियंस भी, टीम, बोर्ड। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, इनको माना जाता है कि ये ग्रुप में है, तो ये हमेशा यूज़ किए जाते हैं सिंगुलर वर्ब्स के साथ। कब, जब इनको आप एक बॉडी या एक ग्रुप के तौर पर यूज़ करते हैं, आप इनको अलग अलग मेंबर्स के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं, आप इनको एक बॉडी एक ग्रुप के तौर पर यूज़ करते हैं। और अगर आप इनको मेंबर्स की तरह से यूज़ करेंगे, तब आपको इनको प्लूरल वर्ब देना होगा, यानी कि बहुवचन। तो वही कि सामूहिक संज्ञाएं, जैसे कि समिति, जूरी, घर, मंत्रालय, पुलिस, भीड़, दर्शक, टीम, बोर्ड का उपयोग एक वचन क्रियाओं के साथ किया जाता है, जब उनका उपयोग शरीर या समूह के रूप में किया जाता है, जैसे मैंने कहा बॉडी और ग्रुप में, लेकिन ना कि सदस्यों के रूप में। जब उन्हें सदस्य के रूप में आप प्रयोग करेंगे, तो वे हमेशा बहुवचन की क्रिया यानी कि आपका प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखेंगे, इसी को आप एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब आप किसी ग्रुप को एक सिंगल यूनिट लेंगे, तो वो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा और सिंगुलर प्रोनाउन भी लेगा। और अगर आप उसको प्लूरल
जो है कंसिडर करेंगे तो वो कैसा लगेगा? प्लुरल वर्ब है ना, सिंपल। किसी भी समूह को अगर आप इकाई मानोगे तो एकवचन क्रिया और एकवचन सर्वनाम लेगा, और अगर बहुवचन मानोगे तो बहुवचन क्रिया लेगा। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पुलिस, आप जानते हैं पुलिस जो है एक आपका कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। तो पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव, तो यहाँ पे आप पुलिस को एज अ ग्रुप कह रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? पुलिस को आप एज अ ग्रुप ट्रीट कर रहे हो, इसी वजह से पुलिस के साथ क्या लगेगा, हैज़, क्योंकि आप इसको एक ग्रुप मान रहे हो, इसीलिए ये हैज़ लगेगा। हैज़ यानी कि सिंगुलर वर्ब है ना, एक वचन क्रिया। इसके बाद अगर किसी ने कहा द पुलिस वॉज पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पुलिस को फैला दिया गया सब जगह में। तो यहाँ पे आप पुलिस को मेंबर्स मान रहे हो, बहुत सारे मेंबर्स मान रहे हो, इसीलिए यहाँ पर क्या लगने वाला है, वर्ब पोस्टेड लगने वाला है, तो ये सही माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कमेटी को देखें, द कमेटी हैव अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़, तो कमेटी ने अप्रूव कर दिया एक्सपेंडिचर 50 करोड़ का। तो इसमें गलती क्या है, आप यहाँ पर कमेटी को क्या मान रहे हो, यहाँ पे आप कमेटी को एक ग्रुप मान रहे हो कि एक ग्रुप ने एक अप्रूव कर दिया इतना एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे क्या गलती है कि फिर से यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब अगर आना चाहिए, क्योंकि आप कमिटी को एज अ ग्रुप यूज़ कर रहे हो। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, कमिटी हैज़ नॉट डिसाइडेड ऑन द मैटर येट, इसका मतलब इसको यहाँ पर गलत क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कमिटी ने अभी तक मैटर के बारे में डिसाइड नहीं किया है। तो यहाँ पे आप कमिटी के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स की बात कर रहे हो कि वो अभी तक कर नहीं पाए हैं, इसीलिए यहाँ पर कलेक्टिव फॉर्म यूज़ की जाएगी, और यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा, आपका प्लूरल वर्ब होगा, बहुवचन की क्रिया इस्तेमाल की जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हैं द कमिटी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द मैटर येट। तो वही बात है जो हमने अभी देखी कि व्हेन अ कलेक्टिव नाउन लाइक कमिटी, ज्यूरी, यूनानिमस नहीं है, यूनानिमस मतलब सिंगल नहीं है, तो इसको क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, और क्योंकि इसको सिंगुलर यूनिट कंसिडर नहीं किया गया है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ अ प्रीपोजिशन, आप जानते हैं पूर्व सर्ग बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑन, एट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, आफ्टर, बिफोर, जो दो सिमिलर नाउन्स को जोड़ते हैं, अगर एक प्रीपोजिशन जो कि दो सिमिलर नाउन्स को जोड़ता है, तो नाउन जो है वो उस समय सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब के साथ में इस्तेमाल होगा। यदि एक पूर्व सर्ग दो समान संज्ञाओं को जोड़ेगा तो संज्ञा का प्रयोग एक वचन रूप में किया जाएगा और एक वचन ही क्रिया वो लेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो ये आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, ये हम प्रीपोजिशन के रूल्स में पढ़ेंगे सारा डिटेल में, पर अभी के लिए मान लीजिए जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ऑन, एट, इन है ना, आफ्टर, बिफोर, ये सभी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो विलेज आफ्टर विलेजेस वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, ये पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ने जो कि आफ्टर है, इसने दो संज्ञाओं को जोड़ दिया है, और वो संज्ञाएं क्या है, विलेजेस, ये नाउन है। तो कभी भी अगर एक प्रीपोजिशन दो संज्ञा को जोड़ देगा तो वहां पर हमेशा संज्ञाएं जो होंगी ये क्या होंगी, ये आपकी सिंगुलर होंगी, विलेज आफ्टर विलेज, तो इसको करेक्ट माना जाएगा। जबकि यहाँ पे वॉज और वर का फर्क नहीं है, आप वॉज लिखे वर लिखे, यहाँ पर फर्क है विलेज आफ्टर विलेज का, क्योंकि आपने इसको क्या माना है, सिंगुलर माना है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी क्या देना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, एक वचन क्रिया का वर्ब देना पड़ेगा, एक वचन क्रिया देनी पड़ेगी, तो इसलिए वॉज सही माना जाएगा, वर नहीं माना जाएगा। और साथ में आपको नाउन को क्या करना है, नाउन को आपको सिंगुलर नाउन में करना है। तो ये थे दोस्तों 4 रूल, अब इनके बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला है स्नेहा हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता, तो यहाँ पर गीता जो हमारी सबसे बड़ी हिंदुओं की ग्रंथ है उसकी बात कर रहे हैं, तो स्नेहा ने पेज के बाद पेज जो है वो पढ़ लिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एरर कहाँ पर होगा, देखिए तो आप देख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा कि आफ्टर जो है, आफ्टर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले क्या है, नाउन है, इसके बाद भी क्या है, नाउन, यानी कि एक प्रीपोजिशन दो नाउन्स को जोड़ रही है, तो हमेशा अगर वो दो नाउन्स को जोड़ेगी तो यहाँ पर क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज, तो ये यहाँ पर गलती है, यानी कि ऑप्शन बी में गलती है, आप कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर, यानी कि भिखारी को हमने कुछ अपनी तरफ से जो आर्म्स वगैरह देते हैं छोटा मोटा वो हमने दे दिया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या गलती है, तो जो आर्म्स है वो नाउन है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। यानी अगर प्लूरल फॉर्म में किसी नाउन को यूज़ करेंगे तो वो वर्ब कौन सा लेगा, कौन सी क्रिया लेगा, तो वो एक वचन की क्रिया लेगा, क्योंकि उसको बहुवचन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर ये यह वर होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका एरर कहाँ पर है, ए में है। अगला सवाल, वेन एवर सोहन गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स एंड देन नो एरर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर एरर है। सोहन गोज टू मुंबई बिल्कुल सही टेंस है, ही स्टेज अकेला है तो एस लग गया बिल्कुल। 5 स्टार्स होटल्स, अभी अभी मैंने देखा था, आपने देखा कि यहाँ पर 5 स्टार, ये देखिए सबसे पहला रूल जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर्स वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर डजन्स को हमने डजन किया था, क्योंकि उससे पहले क्या था, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव था 5, है ना, तो उसको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर भी आपने यही करना है कि यहाँ पर सोहन गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार, क्योंकि ये क्या है 5, ये है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के जस्ट बाद जो है ये नाउन लगाया गया है, तो ये स्टार हो जाएगा, ये सिंगुलर आपको नाउन लेना पड़ेगा, तो ये स्टार हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो एरर कहाँ होगा, सी में होगा, माफ़ कीजिएगा, डी में होगा, राइट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो ये आप जानते हैं कि इक्विपमेंट्स जो होता है कभी भी ये एस के साथ में यूज़ नहीं होता है, ये सिंगुलर ही नाउन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विपमेंट। अगर आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी ला रहे हैं तो उसको इक्विपमेंट्स नहीं कहते हैं, वो इक्विपमेंट ही होता है कि कंपनी ने बहुत सारे इक्विपमेंट को ऑर्डर किया है, तो इसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं, कभी भी एस नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखें, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। यानी उसको एडवाइस किया गया कि वो हर दिन 2 चम्मच स्पून के ले ले 3 बार एक दिन में मेडिसिन के। तो अब यहाँ पर क्या गलती है, तो अगर आप जानते हो कि ये जो वर्ड लिखा है ये गलत लिखा है, तो ये होना चाहिए स्पून फुल। देखो एक तो होता है स्पून फुल, पर यहाँ पर 2 है, ये एग्जैक्ट वर्ड है गाइज स्पून फुल कि चम्मच भर के, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 है तो ये कौन सा हो गया, सिंगुलर से प्लूरल नाउन में चला जाएगा, तो स्पून फुल्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाकी सारा ठीक है, मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, तो स्पून फुल्स ध्यान रखेंगे चम्मच भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस हैव रिसीव्ड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द मर्डर केस। तो देखिए यहाँ पे पुलिस को हैव में यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब पुलिस को हम मेंबर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की, तो बहुत लोगों ने काम किया मिलके, और तो इसका मतलब ये यहाँ पर सही है, हैव रिसीव्ड, कि उन्होंने क्योंकि अलग अलग मेंबर्स ने मिलकर काम किया, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब लेंगे यानी कि बहुवचन क्रिया लेंगे, बिल्कुल ठीक है। गलत क्या है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, देखिए इन्फॉर्मेशंस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, इन्फॉर्मेशन कितनी है नहीं गिन सकते, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है, तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है, अनकाउंटेबल मतलब जो जिसको गिन नहीं सकते आप, तो और नाउन मतलब संज्ञा, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशंस की जगह पे क्या आएगा, आपको एस हटाना होगा और आपका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, राइट। तो कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन आपको कहना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन से में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। आगे बढ़ते हैं, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई कोई लेडी का हस्बैंड किसी दूसरी लेडी से बात करता है, तो थोड़ा सा स्ट्राइक्स ठीक है, सीज भी बिल्कुल ठीक है टेंस वाइज, टॉकिंग मतलब ये जेरेंड हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डन, ये हम डिटेल में करेंगे। पर यहाँ पर गलती क्या है, एनवी, देखिए एक फ़र्क होता है, एनवी का मतलब होता है घृणा, और जेलेसी, ये दो वर्ड्स होते हैं। देखिए एनवी का क्या होता है, एनवी आपको तब होती है जब आपको वो चीज़ चाहिए जो दूसरे के पास है, आपको किसी से घृणा कब होती है, जब आप वो चीज़ पोजेस करना चाहते हो जो दूसरे के पास है, पोजेस अदर्स, अदर्स थिंग, या कह सकते हो आप किसी दूसरे के पास कोई चीज़ है आप उसको हथियाना चाहते हो, या अगर आपके पास नहीं है दूसरे के पास है तो आप चाहते हो कि वो आपके पास भी हो, तो वहाँ पर आप एनवी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि जेलसी कब होती है, जब आपको एक फियर होता है, एक डर होता है कि दूसरा बंदा आपको छोड़ के ना चला जाए, तो यहाँ पर गलती यही है, एनवी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जेलसी होगा।
आई होप मेरी बात समझ गए हैं। एनवी तब होता है जब आपको दूसरे के पास कोई चीज़ है वो आपको चाहिए या आपके पास नहीं है, इस वजह से आप उसे घृणा करते हैं। लेकिन जेलेसी क्या है? जेलेसी तब होती है जब आपको वो डर है कि जो आपके पास है वो कहीं खो ना जाए, राइट? तो यहाँ पे अब क्योंकि वुमेन है और मैरिड है तो उसको ये डर होगा कि अपना हस्बैंड कहीं उधर ना चला जाए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है दोस्तों? जेलेसी। तो इसकी स्पेलिंग है जेलेस और वाई, जेलेसी। अगला है टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। आप जानते हैं ना कि कोर्ट के द्वारा समन्स इशू किए जाते हैं, यानी कि समन्स का मतलब उपस्थिति के लिए उनको बुलाया जाता है। बट सोहन हैज़ नॉट येट अपियर्ड बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक टेंस लगा हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, और यहाँ पे हैज़ नॉट के साथ में भी थर्ड फॉर्म लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिफोर द कोर्ट ये बिल्कुल ठीक है, कोर्ट के सामने को हम बिफोर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या गलती है? तो दोस्तों यहाँ पर गलती है कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया है, समन्स। तो समन तो वैसे वर्ब होता है, पर यहाँ पर जो इसका प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि दो समन्स है ना, इसका मतलब ये इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो आपको यूज़ करना होगा, समन्सेस। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा समन्सेस, SUMMONSES। तो टू समन्सेस इशू हो चुके हैं तो ये आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर ये गलती है क्योंकि टू है तो समन्सेस होगा, समन्स नहीं होगा, राइट? क्योंकि नाउन्स हमें चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए। समन्स तो वर्ब हो जाता है, हमें चाहिए नाउन, तो समन्सेस यूज़ करेंगे हम। अगला है शीप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। आप जानते हैं कि शीप्स हमें क्या देती हैं? हमें देती हैं मीट और वूल देती हैं, तो उनको रियर किया जाता है, तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो यहाँ पर गलती क्या है कि शीप्स का जो प्लूरल फॉर्म, अब शीप नाउन है आप जानते हैं, तो जो नाउन अब आर है तो इसका मतलब इसका प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि शीप का प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है? शीप ही होता है दोस्तों। तो शीप क्योंकि आर है तो प्लूरल फॉर्म लगेगा, लेकिन शीप्स कोई वर्ड नहीं है ग्रामेटिकल इंग्लिश में, तो ये शीप ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एरर किस में है? ए में। और यहाँ पे आपका एरर यहाँ पर भी ए में ही था क्योंकि यहाँ पे समन्सेस आपने किया। अगला है ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम, यानी कि सारे सबूत उसके खिलाफ थे और इसीलिए उसको गिल्टी किया गया और बाद में पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है ऑल द एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस, क्योंकि ये भी क्या है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। स्टैटिस्टिक्स शोज दैट देर इज़ गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में गलती है, क्या गलती है कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स को आप एक एक ग्रुप की तरह इस्तेमाल कर रहे हो तब तो आप क्या करेंगे? सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, एक वचन की क्रिया आएगी। लेकिन अगर आप उसको बहुत सारे डाटा, देखिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब आप अगर उसको कलेक्शन ऑफ डाटा दिखा रहे हो कि आपने बहुत सारा इकट्ठा है, मतलब सेंटेंस को पढ़ के अगर ऐसा लग रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, तो फिर वहाँ पर प्लूरल वर्ब आपको इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पे सिंगुलर से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो स्टैटिस्टिक्स ये दिखाती हैं कि बिग इकोनॉमिक स्लोडाउन होने वाला है, इसका मतलब बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया होगा जिससे ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल की तरह से यूज़ किया जाएगा और इसीलिए शोज नहीं आएगा, सिर्फ शो आएगा। तो यहाँ पर गलती है वन में, तो आपका आंसर हो जाएगा वन। तो यहाँ पर सिर्फ शो आएगा, शोज तब आएगा जब आप स्टैटिस्टिक्स को एक यूनिट की तरह दिखाओगे, पर यहाँ पर आप ग्रुप की तरह नहीं दिखा रहे हो, उसको आप कलेक्शन ऑफ डेटा की तरह दिखा रहे हो, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज़ बीन इशूड बाय द मिनिस्ट्री। तो ऑर्डर्स जो है उसके ट्रांसफर के इशू किए जा चुके हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए तो यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैज़ बीन और एक ही बंदे की बात हो रही है, तो ऑर्डर्स कैसे आएगा? तो इसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन वन। अ सीरीज ऑफ मैचेस इज बीइंग प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ सीरीज ऑफ मैचेस है और बहुत सारे मैचेस को खेला जाए जाना है, तो यहाँ पे इज प्लेड इन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इज की जगह आर, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हैं और
इसको आपको उनको खेलना है तो प्लूरल फॉर्म आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो प्लूरल वर्ब की जगह आर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द 20 डेज टूर इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वर वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहली बात तो देखिए, अगर 20 डेज का टूर है तो पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, है ना, वर तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप टूर कह रहे हो, टूर्स नहीं कह रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ पे 20 डेज हमने पढ़ा था, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 डे टूर इन दी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो दो में गलतियाँ होंगी, वन और थ्री में, दोनों में इसमें गलतियाँ हैं। अगला सवाल, सारा हैज़ गिवन मी 6 डजन स्पेंस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। हम देख चुके हैं कि जब भी आपका नुमेरिकल एडजेक्टिव आता है उसके बाद जो आपका नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डजन हो जाएगा। बाकी सारा ठीक है, हैज़ गिवन थर्ड फॉर्म लगी हैज़ के साथ में डिफरेंट वेराइटीज़ की, राइट। अगला सवाल है, देर आर 2 स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज इन द लाइब्रेरी। तो अब यहाँ पर फिर से ये 2 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, तो यहाँ पर 2 स्कोर नहीं होगा, स्कोर हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, ऑल दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर किस में गलती है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अभी तक उसको अल्फ़ाबेट भी नहीं आया, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे, राइट। तो आंसर विल बी अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं होगा। इट इज़ नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ये मेरा काम नहीं है कि मैं उन सभी को एडवाइस करूं जो अपने प्रॉब्लम से खुद सेंसिबल नहीं है, समझदार नहीं है डील करने के लिए। तो देखिए, इट इज़ नेवर माई बिजनेस, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर एन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो आप लिख सकते हैं टू गिव एडवाइस, एडवाइस, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। तो ये दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करके, तो एरर कहाँ पर है, सेकंड में एरर है। आई डोंट थिंक इट इज़ योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या गलती है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बुक है, मुझे लगता है किसी और की है, तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर समबडीज एल्स, किसी और की, पॉजेसिव केस है, किसी और की, तो एल्स, एल्स के बाद यहाँ पे एस पी आएगा, तो यहाँ पर गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। तो बच्चे हमेशा मिसचीफ करते रहते हैं अगर उनके पास कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, तो यहाँ पर है मिसचीफ, टू मेकिंग मिसचीफ, तो यहाँ पर आपको एस हटाना होगा, तो ये हो जाएगा मिसचीफ, है ना। तो ये आपका